धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब मालक जी की कृपा दे सदका रब नू पाउण दीआं नौ निशानियां दे विचों अज आपां छेवीं निशानी दी विचार करनी है। छेवीं निशानी है मन दा काबू विच रहना जा मन नू काबू विच कर लेना। जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब मालक नू पढ़दे आ ते मन दे बाबत सतगुर ने बहुत कुछ लिखिया। मन नू खुटहर भी कहा है, मन शैतान विरती वर्गा भी है, मत ये मन जिहड़ा आ ये बच्चे की विरती वाला भी है, ये मन साडा मित्र भी है। याद रखियो सियाने मन नू इंजन कहिंदे ने, जिधर इंजन जाएगा सारे डब्बे उस इंजन के पिछे जाएंगे। जे इंजन सही रस्ते ते है, सही पटड़ी ते है, तो डब्बे भी सही पटड़ी ते ने। जे इंजन किते गलत हो गया तो याद रखियो पिछे डब्बे भी गलत हो जाएंगे। ये मन इको चीज़ नाल काबू आ सकता सतगुरु जी कहने। जे मन नू काबू करना ना जी तो ज्ञान की बड़ी लोड़ है, तो ज्ञान सानू गुरु को मिलना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब मालक जी की बाणी नू पढ़ियो। सतगुरु जी ने आख्या कि कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जो गुरु सानू मिल गया, गुरु सानू ज्ञान देगा, जो गुरु ने ज्ञान देता तो इस ज्ञान की बदौलत साडा मन काबू आ जाएगा। ये मन जो काबू में आ गया फिर यही मन सानू परमात्मा के घर के विच अभेद कराएगा। कदे मन की अवस्था सी जो गुरु का ज्ञान कोल नहीं सी कि कबहु जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहु जाए प्याले, लोभी जियड़ा थिर ना रहत है, चारे कुंडा भाले। पर जदों गुरु ने बख्शिश की, गुरु ने ज्ञान दिता, गुरु ने सोझी बख्शी, उदों ये मन काबू विच आ गया। हुण मन इधर उधर नहीं भटकदा, हुण मन गुरु दे शब्द विच अभेद होके गुरु दा बन के रह गया। हुण मन इधर उधर नहीं दौड़दा, हुण मन गुरु वाला बन गया। जदों मन गुरु वाला बन जाएगा तो याद रखियो जदों मन गुरु वाला बन गया ये तन भी गुरु वाला बन जाएगा। सतगुर ने कहा कि जे रब नू पाउणा आ तो रब नू पाउण दी छेवीं निशानी मन दा काबू होना बहुत जरूरी है। जिन्हां दा मन काबू विच है वह रब नू पाउण दे छेवीं निशानी भी हासिल कर लैंदे आ। कहिंदा भाव वह छे कदम उन्हां दे रब वल वध जांदे आ। सतगुर कहने मन काबू हो जाए तो ये तो वड्डी परमात्मा की कृपा की है।